उसको पकड़ लें और ऊपर से उसको बात रोग हो जाए, गठिया बाई हो जाए और फिर उसको ऊपर से बिच्छू डंक मार दे और फिर उसको दवा पिलाने के जगह पर मदिरा पिला दी जाए तो उसकी क्या दशा होगी। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस ते ही पुनि बीछी मार और ताही पियाई बारुणी तो कहू कहा उपचार। भरत जी कहते हैं फिर उसका क्या उपचार होगा। ग्रह ग्रहित अयोध्या पर मंथरा रूपी ग्रह लग गई, पुनि बात बस और ऊपर से पिताजी का मरण ये बात रोग और तेही पुनि बीछी मार और प्रभु श्री राम का बनगमन बिच्छू के डंक के समान पीड़ादायक और ताही पियाई वारुणी ऊपर से ये अयोध्या के राज्य की मदिरा आप हमें पिलाना चाहते तो कहो कहा उपचार। इसलिए मैं तो यही समझता हूं गुरुदेव वशिष्ठ ने जो ये कहा कि राय राज पद तुम कहां दीना, महाराज ने राजा का पद तुम्हें दिया है तो गुरुजी अगर ये बात कहते हैं तो इसका अर्थ तो मुझे यही समझ में आता है कि राय राज पद तुम कहो दीना, महाराज ने मुझे राज पद दिया है। राज पद का अर्थ क्या है? बोले राज पद का अर्थ है राजा का पद, पद माने पादारविंद अर्थात राजा का चरणारविंद मुझे पिताजी ने दिया है, राज पद का तो यही अर्थ। और राजा कौन है? बोले राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध रजधानी, राजा तो राम जी हैं और उनका जो पद है जो चरण है वो पिताजी ने मुझे दिया है। राय राज पद तुम कह दीना, इसका अर्थ तो मुझे यही समझ में आता है कि मैं रघुनंदन के चरणों की सेवा करूं, देखे बिन रघुनाथ पद जी की जरन न जाए। और मेरा तो यही मत है कि सब लोग अयोध्या से चलो और चल करके भैया राम को मना करके बुला करके लेकर के आवे और अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान करके उनका राज्याभिषेक हो और हम लोग उनकी सेवा करें, इसी में सबकी भलाई है, इसी में सबका हित है। भरत जी ने जब इस प्रकार कहा तो सारी जनता रो पड़ी, धन्य हो भरत तुम महान हो, तुम सच्चे राम प्रेमी हो, राम प्रेम मूरत तनुआही। सब ने यही कहा भरत तो साक्षात राम के प्रेम की मूर्ति, प्रेम मूर्ति है भरत। और फिर सब प्रसन्न हो गए और भरत जी के नेतृत्व में संपूर्ण अयोध्या के लोग भगवान श्री राम को मनाने के लिए चित्रकूट के लिए चल पड़े। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, राम को मना ले सिया लखन को मना ले, राम को मना ले सिया लखन को मना ले, राम को मना ले सिया लखन को मना ले, राम को मना ले सिया लखन को मना ले, भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मना ले, भरत चले बेग चलो सुनी सच बिजुहारे, बेग चलो सुनी सच बिजुहारे, तुरग तुरग रथ नाग सवारे, तुरग तुरग रथ नाग सवारे, अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ चले प्रथम मुनि राऊ, रथ चढ़ चले प्रथम मुनि राऊ, भरत चले चित्रकूट राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाने, बिपिन बृंद चढ़ी वाहन नाना,
सकल तब तेज निधाना, चले सकल तब तेज निधाना, नगर लोग सब सजी सजी जाना, नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कहे कील पयाना, चित्रकूट कहे कील पयाना, भरत चले चित्रकूट रंग मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा रंग मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा रंग मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा रंग मनाने, रंग मनाने रंग मना सिया लखन को मना सिया लखन को मनाने। श्री भरत जी महाराज के नेतृत्व में सब लोग रथ पर वाहन पर बैठकर चल पड़े। एक बड़ी अद्भुत बात कि सबसे पहले अयोध्या से कौन चला? आप कहेंगे भरत जी चले। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राम जी को मनाने के लिए भरत जी के नेतृत्व में जब अयोध्या से यात्रा चली तो इस भरत यात्रा में सबसे पहले राम जी को मनाने के लिए कौन चला? बोले सबसे पहले कैकेयी माँ चली। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कैकेयी च सुमित्रा च कौशल्या च यशस्वनी रामानयन संतुष्टा ययुर्यानेन भाष्वता। मां केकई सबसे पहले रथ पर बैठ करके चली, लेकिन लोग तो लोग होते। मां केकई जब अपनी पालकी में बैठकर सबसे पहले चली आगे आगे तो लोगों ने कहा ये क्यों चल रही है, हिम्मत तो किसी की नहीं हुई बोलने की मां केकई के सामने, क्योंकि इनका तेज बड़ा दुर्धर्ष है। मां केकई इनका तेज इतना दुर्धर्ष है कि इनके तेज के सामने गुरुदेव वशिष्ठ भी अपनी पादुका को छोड़कर के नीचे उतर गए। बहुत विषय है, कितनी कथा मैं सुनाऊं। जब अब वो प्रसंग तो मैं नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन यही बता देते हैं। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और सुषेण वैद्य ने कहा कि संजीवनी बूटी लाई जाएगी तभी इनका प्राण बचेगा और सूर्योदय के पहले संजीवनी बूटी आ जाए, हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लाने के लिए गए। सारी कथा आपको मालूम है। पर्वत खंड ही लेकर के हनुमान जी चल पड़े और अयोध्या के ऊपर से ही हनुमान जी जा रहे थे। भरत जी ने देखा, देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान, और फर बिन सायक मारे ऊ चाप श्रवण लगितान। भरत जी ने देखा कि ये कोई असुर जा रहा है इतना विशालकाय पर्वत लेकर दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में ही प्रभु गए हैं, कहीं ये मेरे प्रभु का अनिष्ट न कर दे। इसलिए भरत जी ने बाण मार करके हनुमान जी को स्तंभित कर दिया, उनकी गति रुक गई। पर्वत लेकर के हनुमान जी नीचे की ओर गिरने लगे, पर्वत को तो पवन देवता ने रोक लिया, पर्वत आकाश में ही अटक गया। पवन देवता की ऐसी कृपा हुई, आज भी अयोध्या में वो पूरा मोहल्ला ही है, उसका नाम पहाड़गंज है फैजाबाद में, जहां पर वो पहाड़ रुका और भरत जी ने हनुमान जी को अपने बाण के प्रभाव से नीचे उतार दिया। हनुमान जी महाराज जब नीचे आए तो राम 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 ऐसा सुमिरन कर रहे थे। राम राम ये शब्द सुन करके भरत जी तो कांप गए। हा हंत, मैं इतना बड़ा पापी, आज मैंने एक राम सेवक को मार डाला, ये तो मेरे प्रभु का नाम ले रहा है, ये सोचकर भरत जी कांप गए। और भरत जी ने हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना की कि प्रभु रघुनंदन के चरणों में अगर मेरी प्रीति हो तो तौ कपि हो ही विगत समसूला, मेरी राम जी के चरणों में भक्ति हो तो ये बानर
शूल रहित हो जाए, दुख रहित हो जाए। ऐसा संकल्प करते ही हनुमान जी उठ करके बैठ गए। हनुमान जी जब उठ करके बैठ गए तो हनुमान जी ने भरत जी को देखा। तो भरत जी को देखते ही हनुमान जी ने सोचा, ये तो प्रभु श्री राम है। क्यों? बोले भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। भरत जी का स्वरूप ठीक राम जी जैसा। हनुमान जी को जब होश आया तो भरत जी को देखा, और तपस्वी वेश में भरत जी भी थे जिस वेश में राम जी थे, क्योंकि नंदीग्राम में रहकर भरत जी भी थे। हनुमान जी चौंक गए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु लक्ष्मण कहां है, बानर लोग कहां है, ये मैं संजीवनी बूटी लेकर के आया हूं। भरत जी सोचने लगे, राम लक्ष्मण बानर संजीवनी बूटी, बात क्या है? भरत जी समझ नहीं पाए। और भरत जी ने कहा, आप कौन हैं? मैं राम नहीं हूं, मैं राम का छोटा भाई भरत हूं। क्या हुआ मेरे प्रभु श्री राम को? लक्ष्मण कहां हैं? बानर बानरी सेना, क्या बात है? तब हनुमान जी को याद आया, अरे प्रभु चर्चा करते हैं कि मेरा भाई भरत बड़ा शील निधान है, मेरे ही जैसा है। हनुमान जी ने चरणों में प्रणाम किया, जान लिया कि ये रघुनंदन के छोटे भाई भरत हैं। और तब हनुमान जी ने सारा वृत्तांत बताना शुरू किया कि इस तरह से वन में सीता जी का हरण हुआ, और फिर रावण से युद्ध का प्रसंग आया, और युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा है, और मैं औषधि लेने आया। भरत जी ने कहा, हनुमान प्रभु श्री राम का समाचार अयोध्या के सभी लोग सुनना चाहते हैं, इसलिए अपने मुख से इस समाचार को अयोध्या में सुनाओ। अयोध्या के लोग प्रभु का समाचार सुनकर के तृप्त हो जाएंगे, वे सब राम जी का समाचार सुनना चाहते हैं। और फिर हनुमान जी को लेकर के भरत जी अयोध्या आए, और अयोध्या का दरबार रात्रि में एकत्रित हो गया, अर्धरात्रि में संपूर्ण राज परिवार एकत्रित हो गया, प्रजा आ गई, और पूरी सभा खचाखच भरी। और उस सभा के मध्य में हनुमान जी वर्णन करने लगे कि अमुक अमुक घटनाएं हुई, इसके बाद लक्ष्मण को शक्ति लग गई। लेकिन इस घटना का जब हनुमान जी वर्णन कर रहे थे, और ज्यों ही हनुमान जी ने कहा कि रघुनंदन राम की प्रिया भगवती सीता का हरण कर लिया रावण ने, इतना सुनते ही मां केकई अपने आसन से उठ करके खड़ी हुई, और मां केकई सभा में खड़ी होकर के अत्यंत गंभीर वाणी में कहती, शत्रुघ्न, सभा स्तब्ध हो गई। हनुमान जी भी चुप हो गए, क्या हुआ? मां केकई ने शत्रुघ्न की ओर देखा और अत्यंत गंभीर वाणी में कहा, पुत्र शत्रुघ्न भद्रम ते स्वपितुर्धनुरानय, हे शत्रुघ्न तुम्हारा कल्याण हो, अपने पिता का धनुष लेकर के आओ। शत्रुघ्न जी महाराज दौड़े दौड़े गए और जाकर के महाराज का धनुष लेकर के आए, अक्षय तोणीर लेकर के आए, और मां केकई के चरणों में रख दिया। मां केकई साधारण नहीं है, महान वीरांगना है और परम पतिव्रता है। मां केकई ने शत्रुघ्न से कहा, पुत्र शत्रुघ्न भद्रम ते स्वपितुर्धनुरानय पश्यामद्य महाबाहो रावणम लोक रावणम, आज मैं देखती हूं उस लोक रावण को जिसने मेरी पुत्र वधु का हरण कर लिया। आज रावण मेरे बाणों से बच नहीं सकता। और भगवती केकई ने महाराज के धनुष पर बाण चढ़ाया, और धनुष पर बाण चढ़ा करके महारानी केकई ने खींचा और कहा, क्वा ब्रह्मा क्वा महेशश्च वरदानम रक्षितुम क्षमः, आज रावण को ब्रह्मा का वरदान भी नहीं बचा सकता। और महारानी केकई ने अपने पति महाराज दशरथ के चरणों का स्मरण करते हुए कहा कि मनसा कर्मणा वाचा पतिमेक समर्चिता, मन वचन कर्म से अगर मैंने अपने पति के चरणों में प्रेम किया हो तो ये बाण रावण का अंत करने वाला हो जाए। मनसा कर्मणा वाचा पतिमेक समर्चिता तेन सत्येन बाणो यम रावणांत करो भव, ये बाण रावण का अंत करने वाला हो जाए। ऐसा कह करके महारानी केकई ने जब बाण छोड़ा, सबाणो गगनम गत्वा कोटि सूर्य समप्रभा, आकाश में जाकर के वो बाण हजारों सूर्य के समान देदीप्यमान हो गया। इस दृश्य को देख करके वशिष्ठ जी महाराज अपनी खड़ाऊं से उतर करके नीचे खड़े हो गए। यही मैं कहना चाहता हूं, महाभगवती केकई के उस दिव्य तेज को सहन नहीं कर पाए महाराज वशिष्ठ। ऐसी पतिव्रता वीरांगना भगवती केकई,
और महारानी केकई को देखकर सभी लोग स्तब्ध हो गए। वशिष्ठ जी महाराज अपनी खड़ाऊं से उतर करके नीचे खड़े हो गए। सती के तेज को देखकर और केकई के शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था। केकई जी ने जो बाण छोड़ा, सबाणों गगनम गत्वा कोटि सूर्य सम प्रभा, वो बाण आकाश में जाकर करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो गया। अब उस बाण के प्रकाश को देख करके राम जी व्याकुल हो गए। अरे सूर्योदय हो गया, अब तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। लेकिन जब ध्यान से राम जी ने देखा तो पहचान लिया कि ये तो मेरी मां केकई के बाण। तुरंत भगवान श्री राम ने लक्ष्मण के सिर को भूमि पर रख दिया और योग मार्ग से भगवान श्री राम आकाश में गए और जाकर के उस बाण को प्रणाम किया। उस बाण के अंदर अपनी मां का दर्शन करते हुए, केकई का दर्शन करते हुए राम जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, मां आपने धैर्य छोड़ दिया। राम को यश दिलाने के लिए, सारी दुनिया में राम की यश कीर्ति का विस्तार हो, इसके लिए आपने अपयश सहा, आपने अपमान सहा। आज रावण के वध का यश जब मुझे प्राप्त होने जा रहा है तो आप क्रोध करके धैर्य को छोड़ देंगी तो ये सब किया कराया बेकार हो जाएगा। मां मैं जानता हूं सतियों का अपमान करने वाला रावण, पतिव्रता स्त्रियों का अपमान करने वाला रावण पतिव्रता स्त्री के तेज से ही हत होगा, मारा जाएगा। देवी आपके ही तेज से उसका वध होगा, लेकिन आज नहीं, आज के 18 दिन बाद उसकी मृत्यु होगी। इसलिए हे मां आप शांत हो जाओ। भगवान श्री राम के प्रार्थना करने पर वो बाण शांत हो गया और उस बाण को लेकर के भगवान ने अपने तूणीर में रख लिया। और जब रावण के वध का समय आया तो उसी बाण के द्वारा भगवान ने रावण का वध किया है। ऐसी अद्भुत कथाएं। मां केकई के उस तेज को देखकर गुरुदेव वशिष्ठ स्तब्ध। वशिष्ठ जी महाराज अपनी पादुका से उतर करके नीचे खड़े हो गए। अयोध्या वासियों ने देखा मां केकई के रोम रोम से, मां केकई के एक एक अंग से, उनके रोम रोम से सिंदूर निर्झरित होने लगा। पतिव्रता स्त्री का जो सुहाग होता है जिसको सिंदूर कहते हैं, मां केकई के रोम रोम से निर्झरित होने लगा। ऐसी महारानी केकई, महारानी केकई का चरित्र बड़ा अद्भुत है। रामायण में जितने पात्र हैं, किसी का चरित्र वंदनीय है और किसी का चरित्र निंदनीय है। रावण का चरित्र निंदनीय है और राम जी का चरित्र वंदनीय है। जिसका चरित्र निंदनीय है उसका चरित्र वंदनीय नहीं है, और जिसका चरित्र वंदनीय है उसका चरित्र निंदनीय नहीं है। लेकिन पूरे रामायण में एक पात्र केकई हैं जिनका चरित्र वंदनीय भी है और निंदनीय भी है। इनके चरित्र की निंदा भी हुई है और इनके चरित्र की वंदना भी हुई है। ऐसा अद्भुत चरित्र मां केकई का है। महारानी केकई सबसे पहले चली भरत जी को मनाने की। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, कैकेयी च सुमित्रा च, सबसे आगे केकई जी चले। सबसे पहले जब केकई जी राम जी को मनाने के लिए चलती हैं तो लोगों ने कहा कि इन्होंने ही वन दिया और आज ये मनाने चल रहे हैं, ये क्या मनाएंगे। तब तक मां केकई ने सुन लिया और मां केकई ने कहा, मैंने अपने राम को वन भेजा और मेरा राम मेरे कहने पर बन गया है, और मुझे विश्वास है कि मैं अपने राम को कहूंगी तो मेरा राम लौट करके आएगा। अपने राम के प्रति ये आत्मविश्वास जो केकई का है, केकई के हृदय को तो राम जी जानते हैं और राम जी के हृदय को केकई जानती है। इसीलिए राम जी ने कहा कि जो मेरी मां केकई की निंदा करता है उसने सत्संग नहीं किया, उसने गुरु के चरणों में बैठ करके शास्त्र को नहीं सुना, वो मूर्ख है। राम जी कहते हैं, दोषते जननी जड़ते, दोषते जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभाई से, जिन गुरु साधु सभाई से, दोषते जननी जड़ते, जलनी करते दोस्त दे।
भगवान श्री राम कहते हैं जो मेरी माँ केकई को दोष देगा वो जड़ है, वो मूर्ख है। दोष दे जननी जड़ की। माँ केकई आगे आगे चली और संपूर्ण अयोध्या भरत जी के नेतृत्व में चल पड़ी। श्रृंगवेरपुर पहुंचे, निषाद राज गुह ने देखा भरत सेना लेकर के आ रहे हैं। निषाद राज गुह के मन में भी संदेह हो गया कि कहीं इतनी बड़ी सेना लेकर के भरत जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके मन में द्वेष भाव हो और प्रभु श्री रघुनंदन को मार देना चाहते हैं कि जिससे सदा के लिए अयोध्या का राज्य निष्कंटक हो जाए। ऐसा संदेह किया निषाद राज ने भरत जी के ऊपर और अपने संपूर्ण सेना को निषाद राज गुह ने तैयार कर दिया, सावधान हो जाओ, चप्पे चप्पे पर खड़े हो जाओ, भरत की सेना को गंगा पार नहीं उतरने देना है, चाहे हम मर मिटें, हमारा अस्तित्व मिट जाए, लेकिन भरत की सेना को गंगा पार नहीं होने देना। ऐसा कहकर सब अपने अपने मोर्चे पर खड़े हुए। तब तक एक बूढ़े व्यक्ति को दाहिने तरफ छींक आ गया। दाहिन छींक भाई, छींक भाई दाहिने, इतना कहत छींक भाई दाहिने, कहउ सगुन ही खेत सुहाए, कहउ सगुन ही खेत सुहाए, बूढ़े एक कह सगुन बिचारी, एक कह सगुन बिचारी, पर कहीं मिले न हो यही राज, पर कहीं मिले न हो राज। दाहिनी छींक को सुनकर एक बूढ़े निषाद ने सगुन विचार किया। उसने कहा कि इस छींक का सगुन ये बता रहा है कि भरत सच्चे मन से राम जी के पास जा रहे हैं, इनके मन में कोई पाप नहीं, फिर भी परीक्षण कर लेना चाहिए। और परीक्षण करने के लिए, स्वागत करने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं को लेकर के, उपहार लेकर के कहार लोग चल पड़े। मीन पीन पाठीन पुराने भरी भरी भार कहारन आने, सब लेकर के आए, लेकिन भरत जी ने किसी वस्तु की ओर देखा नहीं। ये परीक्षण था भरत जी। निषाद राज गुह ने सोचा कि भरत के मन में अगर राम जी के प्रति प्रेम होगा तो वो किसी भी वस्तु की ओर देखेंगे नहीं, राम की ही चर्चा करेंगे। अगर मैं कोई भी वस्तु भेंट में ले जाऊंगा तो कोई भी वस्तु की ओर वो दृष्टिपात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके हृदय में राम प्रेम है। और अगर वो किसी वस्तु की चाहना करते हैं, खाने पीने वाली कोई भी वस्तु उन्हें प्रिय लगती है, इसका मतलब उनके हृदय में राम जी के प्रति कोई दुख नहीं। यही परीक्षण का उपाय होगा। और यही उपाय करते हुए निषाद राज गुह ने सेवकों को आदेश दिया, उपहार वस्तुएं तैयार करो। कहार लोग बढ़िया सुंदर मधु, जंगल में जो मधु मिलती है, मधु का छत्ता तोड़ करके बढ़िया मधु को बड़े बड़े दोनों में रख करके लिया, बनाया डोलची सिकहर तैयार किया, मधु दूध घी और अनेक सुंदर फल, मीन पीन पाठीन पुराने बड़ी बड़ी पाठीन मछलियां, क्योंकि सब राजभोग की सामग्री लेकर के आए जो जंगल में उपलब्ध था, ला करके भरत जी के सामने रखा। लेकिन भरत जी ने उन वस्तुओं की ओर दृष्टिपात नहीं किया, राम जी की ही चर्चा की। हे निषाद राज भैया, रघुनंदन राम यहां से गए, इस रास्ते से गए, आपसे मिले, आप पर कृपा की। जब राम जी की चर्चा की तो निषाद राज गुह ने सब कुछ बताया। निषाद राज गुह भरत जी के भाव को समझ गए। फिर निषाद राज गुह भरत जी के साथ चल पड़ते हैं। संपूर्ण सेना ने गंगा पार किया। गंगा पार करके भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे। भरद्वाज मुनि बसहीं प्रयाग। भरद्वाज मुनि के आश्रम में भरत जी महाराज जब पहुंचे तो भरद्वाज मुनि ने भरत जी का बड़ा दिव्य भव्य स्वागत किया।
और स्वागत करते हुए भरद्वाज मुनि ने कहा, आज मैं धन्य हो गया। भरत जी ने कहा, क्यों? तो भरद्वाज जी कहते हैं कि सब साधनों का फल है भगवान श्री सीता रामचंद्र जी का दर्शन। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। ये बड़ी अच्छी पंक्ति है कि जितना साधन हम जीवन में करते हैं, जप तप दान पुण्य, सब साधनों का एकमात्र फल है भगवान का दर्शन। सब धर्मों का फल यही है। क्यों? बोले धर्म भगवान है, समस्त धर्मों के मूल भगवान है, इसलिए धर्म का फल भगवत दर्शन ही है। अब ये बात अलग है कि वेद शास्त्र की मधु पुष्पिका पंक्तियों को पढ़कर व्यक्ति भगवान से इतर फल को फल समझ ले। समझना इसे, मधु पुष्पिका वाक्य क्या है? बोले जैसे कोई लालच देकर व्यक्ति से कोई काम करा लिया जाए और लालच इतना बड़ा हो कि उस लालच में व्यक्ति वो काम कर ले, लेकिन वास्तव में वो उस कर्म का वो उतना बड़ा फल ना हो। जैसे बच्चे को मां दूध पिलाना चाहती है, कहती बेटा पी लो पी लो, तो बेटा कहता हम नहीं पिएंगे, तो मां कहती पी लो तो तुम बड़े हो जाओगे। अब तुरंत थोड़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन मां कहती कि पी लो तुम बड़े हो जाओगे, तो बच्चा सोचता अभी पिएंगे तो तुरंत हम बड़े हो जाएंगे, बस वो तुरंत मां की बात मान करके पी लेता है। तो तुम बड़े हो जाओगे ऐसा लालच दे करके मां ने दूध पिला दिया, वो पी लिया, तो पी लिया तो उसका तो लाभ ही हुआ, दूध तो पिया, ताकत आएगी, बड़ा भले नहीं हुआ, बड़ा तो बाद में होगा ही, लेकिन तत्काल दूध पीने से उसको स्वास्थ्य लाभ हुआ। लेकिन अगर बच्चा यही समझ ले कि दूध पीने से व्यक्ति बड़ा होता है, इतना ही मात्र वो समझता रहे, तो वह उसकी मूर्खता कहलाएगी। उसी प्रकार वेद शास्त्र ने जो कहा कि अमुक यज्ञ कर लो इसका ये फल है, ये पूजा कर लो तुम्हारा ये काम बन जाएगा, इस देवता की आराधना कर लो ये काम बन जाएगा, ये जो सारे वाक्य वेदों में कहे गए ये मधु पुष्पिता वाक्य हैं, ये उसी प्रकार के वाक्य हैं जैसे मां ने कहा दूध पियो तुम बड़े हो जाओगे, लेकिन वास्तव में इन समस्त कर्मों का फल भगवान के चरणों में प्रेम है। दान तप तीर्थ यज्ञ जितने भी अनुष्ठान हैं, सब साधनों का फल राम जी के चरणों का अनुराग, राम जी का दर्शन, यही भरद्वाज जी कहते हैं। सब साधन कर सुफल सुहावा, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। सब साधनों का फल है श्री सीता रामचंद्र जी का दर्शन। लेकिन अब यहां पर एक और दर्शन है, दर्शन माने फिलॉसफी। क्या दर्शन है? बोले दुनिया में फल का फल नहीं होता, फल का फल नहीं होता, एक कर्म किया उससे एक फल मिला, अब सोचो कि उस फल से फिर कोई फल मिले? बोले नहीं, कर्म फल पर्यवसायी होकर के समाप्त तो हो जाता। कोई कर्म आपने किया, उस कर्म का एक फल निश्चित हुआ और फल देकर के वो कर्म खत्म, फल पर्यवसायी कर्म समाप्त, फल का फल नहीं होता। लेकिन भरद्वाज जी कहते हैं कि दुनिया में बाकी जितने कर्म हैं उन कर्मों के फल का फल कोई नहीं होता, लेकिन जब व्यक्ति ये समझ ले कि समस्त साधनों के फल भगवान हैं, तो फिर भगवान के दर्शन रूपी फल का भी फल होता है। बोले उस फल का फल क्या होता है? तब भरद्वाज जी कहते हैं, ते ही फल करे फल तरस तुम्हारा, ते ही फल करे फल तरस तुम्हारा, सहित प्रयास सुभाग हमारा, सहित प
दया के सुभाग हमारा, तेही फल करे फल दरस तुम्हारा, तेही फल करे फल दरस तुम्हारा। भरद्वाज जी ने कहा, समस्त साधनों का फल भगवान का दर्शन, और भगवान के दर्शन का फल भगवान के भक्त का दर्शन, भागवत दर्शन। भगवान की सेवा का फल, बोले भागवत की सेवा प्राप्त हो जाए। मैंने कथा में निवेदन किया था कि भगवत शेषत्व की अपेक्षा भागवत शेषत्व सर्वोपरि, और यही विशेषतम धर्म है। भगवान की सेवा से बढ़कर भगवान के भक्त की सेवा। ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, भगवान के दर्शन का फल है भगवान के भक्तों का दर्शन। इसीलिए कहते हैं भगवान के विशुद्ध भक्त प्रेमी संत का दर्शन कब होता है, बोले जब भगवान की कृपा होती है। संत विशुद्ध मिलई पर ते ही, और राम कृपा कर चितवही जी। तो भगवान के भक्त का दर्शन, ये भगवान के दर्शन का फल है। इसलिए भगवान के भक्तों का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। अगर वेश भक्त का है, तिलक चंदन लगाया है, माला कंठी पहना है, तो कैसा भी हो उसका आदर करो। अगर निरादर करोगे ठाकुर नाराज हो जाएंगे। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लेकिन कभी कभी हम लोग चूक जाते हैं। हजारों लोग भोजन कर रहे हैं, एक साधु महात्मा कहीं से दीनहीन आ गया, राम राम करते बैठ गया खाने के लिए। है तुम कहां से आए, उठो उठो, महान अपराध तुमने किया, तुम्हारा सब किया कराया गुड़ गोबर हो गया, भागवतापचार हो गया। कहते हैं भागवतापचार भगवान को असह्य हो जाता है, इसको असह्यापचार कहते हैं, भगवान को असह्य। और भागवतापचार को इतना बड़ा अपराध क्यों माना, बोले भागवतापचार को इसलिए अपराध माना कि इसका कोई प्रायश्चित नहीं होता, बड़ा कठिन है इसका प्रायश्चित। क्यों, बोले आप भगवान का अपराध कर दो तो उसका प्रायश्चित क्या है, बोले उसका प्रायश्चित है कि जाके भगवान से क्षमा मांग लो। इसी तरीके कोई भक्त का अपराध अगर आपसे बन गया तो आप उस भक्त से क्षमा मांग लो तो वो अपराध खत्म हो जाए। बोले तो बड़ा सरल है, बोले कहने में सरल है, समझने में बड़ा कठिन है। क्या कठिन है, बोले देखो इसको आप ऐसे समझो कि आप भगवान का अपराध आज करो, और आज के 400 वर्ष बाद, 500 वर्ष बाद किसी जन्म में आपको याद आवे कि मैंने भगवान का अपराध किया, तो आप भगवान से क्षमा मांग सकते हो। जहां रहो वहीं क्षमा मांग लो, क्योंकि भगवान सब जगह है। आपने भगवान का अपराध किया जगन्नाथपुरी में, लेकिन आपको बोध हो गया कि मुझसे गलती हो गई, तो आप दिल्ली में भी जाकर के क्षमा मांग सकते हो। वहीं से भाव से प्रार्थना कर लो, हे प्रभु मुझे क्षमा करना, भगवान अंतर्यामी है, हर जगह है। लेकिन भगवान के भक्त का आपने अपराध किया, भक्त वहां से चला गया, अब उसका लता पता नहीं वो कहां गया, दुनिया में कहां खोजोगे, कैसे क्षमा मांगोगे, और कहीं उसने शरीर छोड़ दिया तो तुम्हारा अपराध तो अखंड हो गया, अब वो अक्षम्य हो गया, भगवान भी नहीं क्षमा करेंगे। क्यों, बोले उसी भक्त से जब क्षमा मांगो तभी क्षमा हो सकता है। अब वो मिले नहीं तो क्षमा कहां मांगे, बोले अब न मिले तब उसका पाप भोगो। इसीलिए भागवत अपचार को भगवत अपचार से भी ज्यादा बड़ा अपचार माना गया। भगवतापचार, भागवतापचार, सह्यापचार, नाना रूप गुण विधान अंतापचारान, अनारब्ध कार्यान, आरब्ध कार्यान, अनारब्ध कार्यान, कृतान, क्रियमाणान, करिष्यमाणान, सर्वान अशेषत क्षमस्व। कहने का भाव कि भगवान के दर्शन का फल भगवान के भक्त का दर्शन, और भगवान के भक्त का अपराध माने भगवान का अपराध। भगवान के भक्त का अपराध करोगे तो उससे भक्त तो नाराज ही होगा, भगवान भी नाराज होगा।
और भक्त का दर्शन करोगे, भक्त की सेवा करोगे तो भक्त भी प्रसन्न होगा और भगवान भी प्रसन्न होगा। इसलिए भागवत शेषत्व को आचार्यों ने परम धर्म माना। कथा में मैंने निवेदन किया था कि भगवान श्री रामानुजाचार्य ने अंतिम उपदेश यही दिया कि अगर जीवन में कुछ न हो सके तो किसी भगवत भक्त के आश्रित होकर, उस प्रेमी भगवत भक्त के सन्निधि में रहकर और उसके अनुकूल बनकर के अपने जीवन को व्यतीत कर लो, वही तुम्हारे कल्याण का सर्वोपरि साधन बन जाए। श्री भरद्वाज जी महाराज कहते हैं, ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। आपका दर्शन हुआ ये मेरा परम सौभाग्य। और भरद्वाज जी ने बड़ी अद्भुत व्यवस्था की महाराज भरत जी के स्वागत के लिए। क्या व्यवस्था की, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि महाराज भरद्वाज महर्षि ने अपने तपोबल से प्रयाग में स्वर्ग का वैभव प्रकट कर दिया। वो प्रयाग की भूमि जो 4-5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर चौड़ी है गंगा के किनारे, वो सब भूभाग अत्यंत विस्तृत हो गया भरद्वाज जी के संकल्प से, क्योंकि इतनी सेना आई है सबको ठहरना, और वहां पर सुंदर सुंदर महल बन गए। बोले इतने जल्दी कैसे बना? बोले तप के बल से। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सुवर्ण मणि मुक्तेन प्रवालेन च शोभिताः आगुर्विंशति सहस्राः कुबेर पहिता स्त्रियः याभिर्गृहीत पुरुषः सोन्माद इव लक्षते आगुर्विंशति सहस्रा नंदनांद सरोगणाः। बड़े बड़े सुंदर महल बन गए, अनेक प्रकार के वृक्ष प्रकट हो गए, सब ऋतुओं में होने वाले फलों के वृक्ष प्रकट हो गए और सब में फल भी लगे हैं और पक भी गए। ऐसी प्रकृति अद्भुत हो गई, तपस्या से कुछ भी असंभव नहीं है। तप से ही संपूर्ण सृष्टि चलती है, इसीलिए हम लोग जब संध्या वंदन करते हैं तो क्या कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई? बोले ऋतंच सत्यंचाभिध्यात् तपसो अध्यजायत, तपसोध्यजायत, तपस्या से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। ऋतंच सत्यंचाभी तपसोध्याजायत ततो रात्र जायत ततो समुद्रार्णव, समुद्र अर्णव सब कुछ जो कुछ दिखाई पड़ रहा है सब तप का ही फल है। ऋतंच सत्यंचाभी ध्यात तपसो अध्यजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णव समुद्रादर्णवाद अधिसंवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिष्टो वसी सूर्या चंद्रमशौ धाता यथा पूर्व मकल्पयत। ये सब कुछ कैसे हुआ? बोले तपसोध्यजायत, तप से। महाराज भरद्वाज जी ने तप के बल से सब कुछ प्रकट कर दिया। सुंदर महल बन गए, आस्तरण बिछ गए, स्वर्ण के सिंहासन लग गए, मणिजटित पर्यंक और सेवा करने वाले लोग। बोले आगुर्विंशति सहस्रा कुबेर प्रहिता स्त्रियः, 20,000 दासियां कुबेर की और अनेकानेक देवताओं की दासियां सब सेवा में उपस्थित हो गईं। और रात में भरत जी महाराज का मनोरंजन करने के लिए कुछ नृत्य गान भी होना चाहिए, क्योंकि ये युवराज हैं, राजपुत्र हैं। तो भरद्वाज मुनि ने अपने तपोबल से स्वर्ग की अप्सराओं को बुलाया, और अप्सराएं ही नहीं, गंधर्व लोग आए बाजा बजाने के लिए। ऐसे ही थोड़ी नाचेंगे, कोई तबला बजावे, कोई हारमोनियम बजावे, तब ना नाच गान होगा। सब आए महाराज, तार वाद्य बजाने के लिए नारद जी को बुलाया, नारद जी आए। नारदस्तुम्बुरुर्गोप प्रभया सूर्य वर्चसः, देवर्षि नारद आए भरद्वाज जी के बुलाने पर, भरत जी के स्वागत के।
राम जी के स्वागत के लिए सब नहीं आए थे, राम जी भी इसी रास्ते गए थे, लेकिन भरद्वाज जी ने भरत जी के स्वागत के लिए ऐसी व्यवस्था की। देवर्षि नारद आए, तार वाद्य बजाने लगे। तुम्बरु गंधर्व, गोप गंधर्व, हाहा हुहु नाम के गंधर्व, दुर्भरसर महाभरसर, ये सब गंधर्व आए गायन करने के लिए। एते गंधर्व राजानो भरतस्याग्रतो जगुहु, इन सब गंधर्वों ने भरत जी के आगे नृत्य किया, गान किया। उपानृत्यत भरतम भरद्वाजस्य शासनात्, उपानृत्यंत भरतम भरद्वाजस्य शासनात्, भरद्वाज जी के आदेश से भरत जी के सामने अप्सराएं नृत्य करने लगी। कितनी अप्सरा? बोले स्वर्ग में तो बहुत अप्सराएं हैं, एक दो नहीं है, लेकिन उन अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ जो हैं अलंबुषा, ये बड़ी उत्कृष्ट कोटि की अप्सरा मानी जाती है, अलंबुषा, मिश्रकेशी और पुंडरीका और बामना, ये चार अप्सराएं स्वर्ग से आई भरत जी को प्रसन्न करने के लिए, नृत्य करने के लिए। मेनका उनका तो कोनो कोटिये में नहीं है हमारा, मेनका का नाम सब जगह आता है और उर्वशी का नाम आता है, उर्वशी मेनका, लेकिन उन सबसे उत्तम अलंबुषा, मिश्रकेशी, पुंडरीका, बामना, ये सब आकर के नृत्य करने लगी। अब तो महाराज अप्येकमेकम पुरुषम प्रमदा सप्तचाष्टच, और नौकर कितने थे आज बड़े से बड़े आदमी के घर में, कितने नौकर होते? बोले एक परिवार में पांच आदमी रहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा दो नौकर, तीन नौकर। बागली बाहरी काम करने के लिए भले कितने लोग हों, लेकिन घर का काम करने के लिए तीन, दो तीन, तीन पर्याप्त हैं। लेकिन यहां पर जितने अयोध्या के लोग आए उनकी सेवा के लिए एक व्यक्ति पर कितने सेवक थे? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अप्येकमेकम पुरुषम प्रमदा सप्तचाष्ट च, सप्तचाष्ट च। अब इसका अर्थ पंडिताई किया जाए अगर तो बहुत अर्थ है, एक व्यक्ति के ऊपर सात आठ सेवक, एक आदमी और उसके ऊपर सेवा करने वाले कितने? सात आठ। और अगर इसको संयुक्त अर्थ कर लिया जाए तो आठ सात पंद्रह, एक व्यक्ति पर पंद्रह पंद्रह सेवक। अब सोचो तप के बल से भरद्वाज जी ने क्या क्या किया। अप्येकमेकम पुरुषम प्रमदा सप्तचाष्ट च संवाहन्त्य समापेयुर समापेतुर नारियो विपुल लोचनाः, ऐसा अद्भुत स्वागत अयोध्या वासियों का हुआ। लेकिन भरत जी चुपचाप बैठे रहे, न उन्होंने नृत्य देखा, उनके सामने ही सब कुछ हो रहा था, लेकिन भरत जी तो अपने नेत्रों को बंद करके प्रभु श्री राम का स्मरण कर रहे हैं। सारी सुख की सुविधाएं उपलब्ध थीं, लेकिन भरत जी ने कहीं भी दृष्टिपात नहीं किया और एक रात्रि भरत जी रहे लेकिन किसी भी वस्तु में उनका मन नहीं गया। किस प्रकार से? गोस्वामी जी कहते हैं संपत्ति चकई भरत चक मुनियायस खेल मारे, संपत्ति चकई भरत चक मुनियायस खेल मारे, तेहिनी से आश्रम भीजरा राखे बाहिल सार, तेहिनी से आश्रम भीजरा राखे बाहिल सार, संपत्ति चकई भरत चक। भरद्वाज जी ने अपने तपोबल से जो संपत्ति, जो वैभव प्रकट किया, वो संपत्ति क्या है? बोले चकई। और भरत कौन है? बोले चक। चक और चकई का मतलब चकोर और चकोरी। चकोर चकोरी की प्रकृति क्या होती है? बोले दिन भर वो सब साथ रहते हैं और रात होते ही बिछुड़ जाते हैं, एक नदी के इस तट पर, एक नदी के उस तट पर, और वो उसे पुकारता है, वो उसे पुकारता है और एक दूसरे से मिल नहीं पाते, प्रकृति का ऐसा विधान है।
कि रात होते ही उनका वियोग हो जाता है और रात भर दोनों रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं। तो किसी चंचल बच्चे ने, किसी लड़के ने सोचा कि कैसे नहीं मिल पाते हैं, एक उपाय किया जाए। बोले क्या उपाय किया जाए? बोले दोनों को दिन में पकड़ लिया जाए और दोनों को पकड़ करके एक ही पिंजरे में बंद कर दिया जाए, फिर तो रात होगी, फिर कहां जाएंगे, तब तो एक दूसरे के पास रहेंगे। बोले ठीक है। किसी चंचल बच्चे ने चकई और चक को पकड़ करके एक ही पिंजरे में बंद कर दिया और बंद करके रख दिया। बोले अब देखें रात में कैसे अलग होते हैं। तो हुआ क्या? बोले प्रकृति का विधान जो है वो तो हो ही गई। उसी पिंजड़े के एक कोने में चक जो है उधर मुंह करके बैठा और चकई उधर मुंह करके बैठी और दोनों रो रहे हैं और है पिंजड़ा एक ही, लेकिन न वो उसको देख पा रहा है न वो उसको देख पा रहा है। आज मानो यही दृश्य प्रयाग में प्रकट हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं संपत्ति चकई भरत चक, मानो भरतदास जी के द्वारा प्रकट की गई संपत्ति जो है वो चकई है और भरत चक है और मुनि आयस खिलवार, और भरतदास जी ने जो ये सब रचना रची ये मानो खिलवाड़ बन गया। तेहिनिस आश्रम पिजरा, और भरतदास जी का वो आश्रम ही मानो पिजड़ा बन गया। और राखे भाभिनुसार, पूरी रात भरत जी वहां रहे लेकिन न जल पिया न कुछ खाया न किसी वस्तु की ओर उन्होंने देखा, केवल प्रभु श्री राम का स्मरण करते रहे। लेकिन अयोध्या वासियों की क्या स्थिति हुई? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अयोध्या वासी तो खा पी करके मस्त हो गए, खूब आनंद लिया महाराज। और अयोध्या वासियों ने तो यहां तक कहा कि नैवायोध्याम गमिष्यामो, अयोध्या को ही भूल गए अयोध्या वासी। इतना आनंद मिला महाराज, स्वर्गीय आनंद था। सब ने कहा अब अयोध्या अयोध्या नहीं जाएंगे, अब तो यहीं रहेंगे। नैवायोध्याम गमिष्यामो, अब अयोध्या नहीं जाएंगे। न गमिष्याम दंडकान, न आगे राम जी को ढूंढने जाएंगे, अब यहीं रहेंगे, क्या जरूरत जाने की आगे, ऐसा आनंद कहां मिलेगा। नैवायोध्याम गमिष्यामो न गमिष्याम दंडकान, कुशलम भरतस्यास्तु, भरत का कुशल हो और राम जी भी जहां रहे कुशल से रहे, दोनों ठीक ठाक रहे, हम तो यहीं रहेंगे। अयोध्या वासियों को इतना आनंद मिला वहां पर। लेकिन ये सब क्षणिक माया थी। देखो भगवान का प्रेमी कभी कभी माया के थपेड़े से झटका तो खा सकता है लेकिन गिरता नहीं। अगर राम जी के चरणों में प्रेम किया है, चाहे कैसे भी प्रेम किया है, तो उसका पतन नहीं होता। भगवान कहते हैं नमे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। हां भटक सकता है, कभी थोड़ा झटक सकता है, लेकिन पतन हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। कुछ क्षण के लिए माया ने अपना प्रभाव दिखाया लेकिन फिर वे अयोध्यावासी चैतन्य हो गए और सब छोड़ करके भरत जी के पीछे पीछे राम जी को मनाने के लिए चल पड़े। इस प्रकार भरत जी वहां से, भरतदास मुनि के यहां से आगे चलते हैं और फिर चित्रकूट पहुंचे। और इधर चित्रकूट में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कह रहे थे, सीता जी से चर्चा कर रहे थे, चित्रकूट की शोभा का वर्णन कर रहे थे। भगवान श्री राम कह रहे थे कि इस वनवास से मुझे दो फल प्राप्त हुआ, इस वनवास से हमें दो फल प्राप्त हुआ, इसी को कहते हैं सकारात्मक चिंतन। भगवान श्री राम क्या चिंतन कर रहे हैं? ये शिक्षा है कि विषम परिस्थितियों में भी हमें सकारात्मक चिंतन करना चाहिए। राम जी कहते हैं कि इस वनवास से हमको दो फल मिला, अनेन वनवासेन मम प्राप्तम फलद्वयम् पितुश्चानन्यता धर्मे भरतस्य प्रियम तथा। इस वनवास से मुझे दो फल मिला,
एक फल तो ये मिला कि मैं पिता के वचन से उऋण हो गया, पितृ ऋण से मुक्त हुआ, और दूसरा फल बोले भरतस्य प्रियम तथा, मेरे भरत का प्रिय हुआ, मेरे भरत को राज्य मिला। एक तरफ मेरा भरत राजा बना और एक तरफ मेरे पिता अपने वचन से उऋण हो गए, मुझे तो दो दो लाभ प्राप्त हुआ। यही कह करके भगवान श्री राम चर्चा कर रहे थे, तब तक भरत जी की सेना लाओ लश्कर चित्रकूट की सीमा में जब प्रवेश करता है, जितने पशु पक्षी थे सब व्याकुल होकर के इधर उधर भागने लगे। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े गए और एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए, साल वृक्ष के ऊपर, और उस वृक्ष पर चढ़कर के लक्ष्मण जी ने देखा, सलक्ष्मण संत्वरित साल मारुहीय पुष्पितम। साल वृक्ष के ऊपर चढ़कर के राम जी ने, लक्ष्मण जी ने चारों तरफ देखा, तो देखते क्या है, उत्तर दिशा की ओर से पशु पक्षी भाग रहे हैं दक्षिण दिशा की ओर। ध्यान से देखा तो लक्ष्मण जी ने देखा अयोध्या की सेना का ध्वज दिखाई पड़ा, भरत जी का रथ दिखाई पड़ा। लक्ष्मण जी जान गए भरत अयोध्या की सेना लेकर के आ रहे, और भरत के मन में पाप है, जंगल में भैया राम को हमको अकेला पाकर मार देना चाहते हैं और अयोध्या के राज्य को निष्कंटक बना लेना चाहते हैं, ये शंका हो गई लक्ष्मण जी के मन में। और लक्ष्मण जी वहीं पेड़ पर बैठे बैठे ऊपर से ही भाषण देने लगे, हाँ राम जी नीचे बैठे हैं कुटिया में, कुटिया के सामने वेदिका पर, और लक्ष्मण जी वहीं से कहते हैं, प्रभो उत्तर दिशा से अयोध्या की सेना आ रही है और भरत के नेतृत्व में आ रही है, और हे भैया आवाम हंतुम समभ्येति कैकेय्या भरतस्तुतः, हमको आपको मारने के लिए केकई का पुत्र भरत आ रहा। जब रोष में वाणी निकलती है तो ऐसी ही वाणी होती है। लक्ष्मण जी ने यह नहीं कहा कि हमको आपको मारने के लिए दशरथ के पुत्र भरत आ रहे हैं, दशरथ के पुत्र तो सब है, लेकिन केकई के अंदर उस दोष को देखते हुए और भरत में दोष का दर्शन करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, आवाम हंतुम समभ्येति कैकेय्या भरतः सुतः, एष वै सुमहान श्रीमान बिटपी संप्रकाशते, इसीलिए सब पशु पक्षी इधर भाग रहे हैं। लेकिन हे भैया आप चिंता न करें, आज मैं भरत को इस चित्रकूट में मार डालूंगा और भरत के मार देने में कोई पाप नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा, भरतस्य बधे दोषम नाहम पश्यामि राघव, हे राम हे रघुनंदन, आज भरत का वध कर देने में कोई दोष नहीं है। क्यों? बोले पूर्व पाप कारिणम हत्ता न हिधर्मेण युज्यते, पहले जिसने पाप किया हो उस पापी को अगर दंड दिया जाए तो दंड देने वाले को पाप नहीं लगता। जैसे किसी एक व्यक्ति ने किसी को मार डाला, तो अब उसने मार डाला, हत्या कर दी, तो अब उसको दंड क्या मिलेगा? बोले मृत्यु दंड। तो मृत्यु दंड जो देगा जल्लाद, जो फांसी पर चढ़ाएगा, उसको कोई पाप नहीं लगता। क्यों? बोले जिसको फांसी पर चढ़ा रहा है उस व्यक्ति ने पहले पाप किया है। लक्ष्मण जी कहते हैं, पूर्व पाप कारिणम हत्वा न ही धर्मेण युज्यते, इसलिए आज भरत को मारने में कोई पाप नहीं है, क्योंकि भरत ने पहले ही पाप किया है। और केवल भरत को ही नहीं, कैकेयीं च बधिष्यामि, उनकी मां केकई अगर आ गई तो उनका भी मैं वध कर डालूंगा। सानुबंधाम सबांधवाम, और जो जो उनके पक्ष से आ जाएगा, अगर शत्रुघ्न ही आ गया तो मैं उसे भी मार डालूंगा, भले वो मेरा भाई। अद्यैव चित्रकूटस्य काननम निशितैः सरैः, आज मेरे बाणों से ये चित्रकूट का जंगल आच्छादित हो जाएगा और ये मंदाकिनी की धारा आज अयोध्या की सेना के रक्त से रंजित हो जाएगा। ससैन्यम भरतम हत्वा, सेना के सहित भरत को मार करके भविष्यामि न संशयः, मैं कृतकाम हो जाऊंगा, अपने कार्य को मैं पूर्ण कर लूंगा।
आज मैं अपने उस क्रोध को यहां पर प्रकट करूंगा। लक्ष्मण जी ने जब इस प्रकार कहा तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण मैं जानता हूं तुम कर सकते हो, भरत को, अयोध्या की सेना को, सबको मारने में तुम अकेले समर्थ हो, मैं जानता हूं। लेकिन यह सब करने पर क्या होगा? अयोध्या का राज्य मिलेगा और वो किसको मिलेगा? मुझे। मेरे लिए तुम ये सब करोगे? लक्ष्मण ने कहा हां। तो भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण यद द्रव्यम बांधवानाम वा मित्राणाम वा क्षये भवेत, जो धन जो संपत्ति अपने मित्र और बंधु बांधवों को मार करके प्राप्त हो, ऐसी संपत्ति में ऐसे राज्य में मेरी कोई रुचि नहीं। महाभारत और रामायण में यही महान अंतर है। रामायण भी इतिहास है और महाभारत भी इतिहास है। ये दो महान इतिहास हैं भारत के, रामायण और महाभारत, और दोनों का अपना अपना महत्व है। इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन कारागृहवास कर्त्या वैभव उच्यते। हमारे आचार्य कहते हैं कि इतिहास श्रेष्ठ रामायण के द्वारा रावण के कारागार में निवास करने वाली भगवती सीता के वैभव का प्रकाश है। कृष्णम रामायणम काव्यम सीतायाः चरितम महत, जो कहा। और महाभारत इतिहास, बोले महाभारत इतिहास में अर्जुन का सारथ्य करने वाले जो भगवान हैं, उन भगवान के वैभव का प्रकाश है। एक में पुरस्कार का वैभव है, एक में साधन का वैभव है। भगवान साधन है और भगवती पुरस्कार रूपा है। तो रामायण में पुरस्कार स्वरूपा भगवती सीता का वैभव और महाभारत इतिहास में भगवान का वैभव, परम तत्व का वैभव। उपाय वैभव उच्यते, यही कहा लोकाचार्य स्वामी जी ने श्री वचन भूषण में, कि महाभारत में उपाय वैभव और रामायण में पुरस्कार वैभव। ये तो तत्व की बात हुई।